हो पिंड मेरा दिल्ली 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 हवा बाज शेक चिली 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 टी शर्ट टाइट जीन दिल्ली दिल्ली। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं बहुत ही मजे करने, बहुत ही स्पेशल जगह पे। तो आज हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर लगा हुआ है बहुत अच्छा इवेंट, तो हम लोग वो कवर करने जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। अभी हम लोग अपने ये NH24 वाले पुल पर हैं, तो वहीं से चल रहे हैं और सनलाइट बहुत अच्छी दिखी हुई है। हाँ, दो बच्चे निकली हुई है। मौसम बढ़िया हो रहा है घूमने के लिए बाहर, तो घूमो फिरो, ये मौसम अच्छा है घूमने का है। और मैंने दोनों के ये लगाए हुए हैं सनग्लासेस, जो मेरे चेहरे के सामने थोड़े बड़े हैं, बट स्टिल आई एम लुकिंग क्यूट। हम लोगों को आज ये जो इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल। लेकिन ये सिर्फ 11 फरवरी तक ही था, तो अब आप नहीं अटेंड कर पाओगे, तो बाद में आएगा 11 फरवरी, तो आज ही और हम लास्ट डे अटेंड कर रहे हैं। इसे अटेंड करने के लिए हमें जाना है नॉर्थ एवेन्यू के गेट नंबर 35 पर। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो सेंट्रल सेक्रेटरीट आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा, और आपको वहाँ से शटल भी मिल सकती है, तो आप वहाँ से आ सकते हो। एंड अभी हम लोग कार से जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ एवेन्यू के गेट नंबर 35। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का पूरा का पूरा सो दिल्ली का बहुत ही पॉश एरिया है ये नॉर्थ एवेन्यू, और यहाँ पर आपको बहुत सारे भवन मिल जाते हैं देखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, और क्या बड़े बड़े लोगों के घर हैं यहाँ पे, जस्टिस और मेयर वगैरह के घर हैं, तो बहुत बड़े बड़े लोगों के घर हैं। हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो फील बहुत अच्छी आती है ये वाली रोड पे आकर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ आप घर नहीं ले सकते भाई, क्योंकि यहाँ घर लेने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट एजेंट या ऑफिसर्स होना, हाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे रेंट पे शायद मिल जाए, आई डोंट नो मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, बट इस इवेंट का तो पता नहीं। पर हम लोग बहुत गंदे जाम में फंस गए हैं, एंड बहुत गंदा बोकट हो गया, इतना गंदा जाम है ना भाई, हर जगह जाम है देख लो, बहुत गंदे वाले जाम है। मतलब सारे ऑटो पता नहीं क्यों खाली आ रहे हैं, पागल लोग हैं क्या, खाली ऑटो लेके क्यों घूम रहे हैं, कोई सवारी भर जाए, निकलवाता हूँ जाके, रुको नहीं। तो भाई मैं यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर करते हुए, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था अभी मैंने क्लियर करते हुए, देख लो पूरा ऑटो का जाम लगा हुआ है। और यहाँ पे भी अभी हमारी गाड़ी बहुत पीछे है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर दिस, आ जाइए अभी। तो भाई बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है और सीना लगा हुआ है जाम निकलवाने में, यहाँ आगे कहीं है अभी तो फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा, पर भाई उसकी मेहनत भी खूब हो रही है जाम निकलवाने में। अब देखो जाम क्लियर होता नहीं होता यार, ये बस खड़ी है एक जो बहुत गलत तरीके से खड़ी हुई है, इसलिए शायद जाम लग रहा है, तो इस बस वाले को बोलना पड़ेगा और हटवाना पड़ेगा, शायद जाम खुल चुका है एंड आई थिंक चीना ने पूरा जाम खुलवा दिया है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसी बात पे अब हम शीना को एक शीना ट्रैफिक निकाल दिया है, तो हम शीना को देंगे 500 रुपीस, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा मदद करी है ट्रैफिक निकालने पे। और ये रहा आपका वार्ड आज का, थैंक यू। और हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से, आई डोंट थिंक सो हम निकल चुके हैं ट्रैफिक से गाइस, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेफ्ट ले लूँ, बिकॉज लेफ्ट में कोई ट्रैफिक नहीं है, राइट में तो बहुत सारा ट्रैफिक है, तो मुझे लेफ्ट ही लेना सूटेबल लग रहा है अभी तो फिलहाल के लिए। गाइस हम वहां से निकल आए हैं और अभी भी हम गाड़ी में ही हैं, क्योंकि आप दिल्ली आ रहे हो और अगर आप दिल्ली ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं बोलूं गाड़ी से तो बिल्कुल मत करना, ऑटो पकड़ लो, जो मर्जी पकड़ लो, पैदल चल लो, टोइंग हो गया टोइंग, पोपट होएगा आपका हमेशा जिंदगी भर। तो फिलहाल हमारा पोपट होते हुए, बट हम अपने पोपट को पोपट ना करते हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ के सबसे महंगे मॉल में। यस, हम लोग जा रहे हैं सबसे महंगे मॉल में, प्रोमिनेंट जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जैसे कि गुची, एलवी, अरमानी, बर्बरी,
जो हम अभी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम जरूर खरीदेंगे एक दिन हम जरूर खरीदेंगे। पर आज हम चेकआउट कर लेते हैं, हम क्या खरीदेंगे, जिमी चू की हील्स, राइट? मैंने जिमी चू जिमी जिमी तुम ना जो बैंग बैंग था ना, एक दिन बहुत सारे लोग हैं। चलो अंदर जाके देखते क्या है। कुछ हमने सुना है, खाने पीने का भी है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है और लोग अच्छे हैं, तो हमने प्रोमेनाड जाने का प्लान कर दिया, कैंसिल कर दिया एक और इवेंट, तो हम लोग यहाँ गए। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। और तुम्हारे भाई ने ना बहुत ही प्यारा जुगाड़ किया भाई। मान गए भाई पक्का मान गए। यहाँ पे एंट्री कैसे होगी? एंट्री होगी ऐसी होगी, फ्री है, जा सकते हैं। हाँ तो भाई, मतलब तुमने ऐसी क्या बात करी, मैं मतलब पूछना चाहूँगा तुमसे, प्यार मोहब्बत बस। तुमने ऐसा क्या पूछा, मतलब वो पूछने का था? अभी बताऊंगा डिटेल में। क्या हुआ था भाई? If you think that I'm gonna slow down, I wanna hear it talking shit from the drama. Coming up and send you to your mama. It's the rip and the gun time. Dropping bodies in the place till sundown. Can't fuck with this, I'm going to cry. Because when the bullets fly, I'm the last one to die. रीजनल एंड दोज़ हू आर लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन देयर आर्ट गैलरी, और जो सीनरी लगा लेते हैं ना, महंगी करोड़ रुपए की सीनरी लगा लेते हैं घर में, करोड़ रुपए की सीनरी, ये उनके लिए है। तो फिर यहाँ पे महंगा ही होगा खाने का। अगर तुम यहाँ पे प्राइस पूछोगे ना, हाँ तो श्योरिटी है कि भाई तुम्हें कोई भी सीनरी, पर चलो देखते ना, 25-30 हज़ार तक नहीं मिलेगी, दैट्स फाइन। नहीं that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama, you keep it coming, I'ma send you to your mama, it's the whip, quick clip, get the guns out, dropping bodies into place till the sun's out, can't fuck with me so don't even try, cause when the bullets fly, I'm the last one to die. ज़्यादा अमीर लोगों के बीच में अभी, इसलिए हमें अभी आपको नहीं बता सकते, हम आपको बाहर निकल के बताएंगे। एक ऐसा बहुत अमीर लोग हैं भाई, बहुत अमीर लोग हैं, हमारी तो ईमेज खिली जाती है, हमारी ईमेज खिली जाती है यार। मैं बहुत ऐसी जगह में आ नहीं जाता अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना, मुझे लगता है कुछ तो कनेक्शन है तेरा, है ना। तुम्हारा भाई भी एक दिन इतना ही अमीर बनेगा। तो हमें मिले ये साहब जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, बदमाश है ये भाई, भाई ये इंसान पता नहीं क्यों इतने गुस्से में, मे बी शरीर से उसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें महंगी है।
सबसे बढ़िया चेस। चेस ओ भाई साहब चलो ग्यारह बजे क्या है शाइन शलामी लाइव आएगी देखना तेरे कौन है शाइन शलामी पता नहीं होगी कोई फ्रेश टोमेटो प्यूरी ठीक है स्वीट कॉर्न संडे टमाटो बेबी कॉर्न पेस्ट्री है इन्होंने तो कुछ अलग लग रहा है How will you make it? Like, do you have other dumplings with you or will you be making it live? Like what? Already made it. Already hai? Yeah. Okay. So, assorted veg dumplings kaise hote hain? Okay, it's like that. Isme kya kya hai fillings? Broccoli, baby corn, carrot, chicken. Okay, matlab all vegetables. Acha, theek hai. Nice. अभी खाते हैं पिज़्ज़ा के बाद we'll have it. But seat देखते हैं. So our pizza is ready और हम लोग ढूंढने सीट चलो Come on. How are you feeling? Hungry. तो देखो अभी तक पैसे तो दिए नहीं भैया को This is looking good, guys. खाना भी फ्री है क्या वरना रेट नहीं लिखा होता खाना फ्री होता तो है ना अमीरों को खाने गाइस ऐसी महंगी बन जाया करो तुम छोटे बन जाते हो ना तो तबीयत खराब हो जाती है ना और मतलब यहाँ पर जहाँ हम गए थे जिस इवेंट में हम लोग गए थे वहाँ पर बहुत डली के इतने पॉश इलाके के आए हुए थे लोग पेंटिंग भेज रहे थे पेंटिंग भेज रहे थे और सबसे बढ़िया चीज बता देते हैं हम गए अंदर हमने देखी एक मोर का पंख होता है जो तो मोर का पंख था और मोर के हाँ मोर का पंख था और मोर के पंख को उसने फ्रेम में लगा दिया था मतलब उसने पेंटिंग बनाई थी बेसिकली मोर के पंख की अब वहाँ पर एक औरत आई और उसने पूछा कितने की है और एक छोटा सा फ्रेम था ज्यादा बड़ा भी नहीं था 4x4 का फ्रेम होगा और वो पेंटिंग बताओ कितने की थी भाई 8,000 की पेंटिंग थी और उस औरत ने खरीदी गाइस उस औरत ने वो पेंटिंग खरीदी 8,000 की पेंटिंग भाई साहब के बहुत अल्टीमेट सीन देगा ये वाला तो
कि 8,000 की पेंटिंग देगी, और तुम्हारे भाई ने एंट्री इतने की कराई वहां पे, सोच सकते हो 100 रुपए की एंट्री बिल्कुल मुफ्त, जुगाड़ से, जुगाड़ से मोदी जी का घर दिखाए, मतलब यहाँ क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास देख लो, मंत्री उत्तराखंड आवास, हाँ। बहुत ज्यादा यहाँ पर इतना ग्रीनरी है पहले तो, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर इतने BSF के खड़े हैं ना जवान कि तुम अंदर घुसना तो नामुमकिन है तुम्हारे लिए, ये बात ध्यान रखना अगर कोई प्लान कर रहे हो अंदर घुसने की। ओ भाई मुझे लगा ये मेरा फोन पकड़ने आ रहे हैं यहाँ से एंट्री होती गाइस प्रधानमंत्री की आवास की, और एकदम बुलेट प्रूफ कार वगैरह में सबने जाते हैं, और यहाँ पे तुम अपना फ़ोन सतर्क से रख सकते हो क्योंकि वरना तुम्हें गोली भी लग सकती है अगर तुम अंदर घुसने की ट्राई करोगे तो। तो अभी तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, मज़ा आ गया इवेंट में, क्या मतलब बहुत मज़ा आ गया इवेंट में, हमें जाना चाहिए पता है, और हमने कॉन्टैक्ट भी बनाए हैं वहाँ जाके।